ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते का कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने पिछली बार विश्राम किया था, हम पढ़ रहे थे प्रसंग जो है कि किस प्रकार गणेश जी गो कुमार को विभिन्न ब्रह्मांडों के बारे बता रहे हैं। वो सब जित जो विष्णु के लोक से जो जीव आए थे चतुर्भुजी रूप धारण किए, वो हर लोक में जा सकते हैं बगैर कोई रोक टोक के, और सारे ब्रह्मांड किधर चार मुखी ब्रह्मा, हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा चतुर्मुखी ब्रह्मा, किधर आठ, किधर सोलह, किधर सौ मुखी, किधर दो सौ मुखी, किधर हजार मुखी, किधर हजार मुखी, किधर एक लाख मुखी, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है। और वो सब क्या दिखाई दिया, क्योंकि वैकुंठ में मैं के ऊपर से देख रहे हैं, तो इसे सारे जो है ये ब्रह्मांड है, तुम भी की तरह एक पॉट की तरह इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। तो सोचो इतने ब्रह्मांड हैं उनके कोई केपदी एक टुंबी की तरह पॉट की तरह इधर से उधर वो लुढ़क रहे हैं, और हर ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न ब्रह्म हैं, और सबसे छोटा जो ब्रह्मांड है वो हमारा है जिसमें चतुर्मुखी ब्रह्म है। इसको आगे बढ़ाते हुए श्री गणेश कंटिन्यूड, दिस पर्सन चेरिश ओनली डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। ये कहते हैं ये केवल भक्ति का रसास्वादन करते हैं। दे ट्रेवल एज दे प्लीज स्प्रेडिंग प्योर डिवोशन एवरीवेयर। जिधर विष्णु की इच्छा थी उधर वो जा सकते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं, जिधर भी जा भक्ति का प्रचार करते हैं। जबकि कोई भी जी एक लोक से दूसरे लोक नहीं जा सकता जब तक उसको उचित शरीर प्राप्त ना हो उसके अनुसार। जैसे हम लोग हैं स्वर्ग में नहीं जा सकते क्योंकि उधर का शरीर अलग है, उसी प्रकार जितने ऊँचे लोक पर जाओगे वहाँ पर अलग प्रकार के शरीर चाहिए। लेकिन जो वैकुंठवासी हैं वो जिधर चाहे जिस ब्रह्मांड में चाहे वो जा सकते हैं, उधर कोई समस्या नहीं है उनके लिए, और वह भक्ति का प्रचार करते हैं। दे सेव द लॉर्ड्स डिवोटीज फ्रॉम ऑल फियर्स इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। अपने भक्तों को, भगवान के भक्तों को भयों से मुक्त करते हैं। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, उसे मुक्त करते हैं। उनको यमदूत के दर्शन ही होते या स्वयं उनको लेने आते हैं या भगवान विष्णु स्वयं आते, दो में से चीज होती है। इफ दोस डिवोटीज हैव बट वंस यू हैड इवन अ रिफ्लेक्शन ऑन द लॉर्ड नेम ऑन द टिप ऑफ द टंग। उन भक्तों के मुख में अगर एक दफ़ा भी हरि नाम आ गया, कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम, कोई भी भगवान का एक नाम आ गया है, और दी पार्ट टू दी या कान से हरि नाम सुना, तो वो मोक्ष अधिकारी हो जाते हैं। यानी अंत समय में मुख से हरि नाम निकलना चाहिए, ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि जिधर इंसान की आसक्ति होती है उसी का चिंतन होता है। प्रभु के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती, इससे अंत समय उनके मुख से हरि नाम नहीं निकलता है। एंड दीज फोर ब्रदर्स द बेस्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट्स आर द सुप्रीम लॉर्ड्स इनकार्नेशन एज डिवोटीज। और ये चार भाई कौन है, सनकादि ऋषि वो कौन है, ये आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत पालन कर रहे हैं, और ये भगवान के किस्म से अवतार ही हैं जो भक्त के रूप में आए हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। दे वांडर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द वर्ल्ड जैसे लॉर्ड वैकुंठ एसोसिएट। ये सनकादि ऋषि भी
वैकुंठ वासियों की तरह वो भी निरंतर विचरते रहते हैं और वो भी भक्ति को भगवान की भक्ति फैलाते हैं। दे लिव ऑन तपलोक वेयर दे गिव रीअश्योरेंस एंड सिक्योरिटी टू द रेजिडेंट्स हु एट टाइम फील हेल्पलेस इन द एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड नारायण। वो तपलोक में रहते हैं और आश्वासन देते हैं उधर के निवासियों को और उन्हें भय से मुक्त कर देते हैं जब भगवान जब वो असहाय महसूस करते हैं, जब भगवान उनके सामने नहीं होते, दर्शन नहीं देते, तब जाके उनको असहाय महसूस करते हैं या दुख उनसे उनको मुक्त करते हैं। कमेंट्री: गोप कुमार माइट वंडर व्हाई द सेल्फ कंटेंटेड कुमार सेजेस हैड अकंपनीड द बेनिवोलेंट विजिटर्स फ्रॉम वैकुंठ। गोप कुमार सोच रहे थे कि ये जो वैकुंठ वासी है उनके साथ ये सनकादि ऋषि ये चारों भाई क्यों घूम रहे हैं। तो आंसर दे दौशी गणेश पिक्स तो उनके संदेह का निवारण करने के लिए जी कहते हैं कि मैसेंजर्स ऑफ वैकुंठ आर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड वैकुंठ नाथ। तो कहते हैं जो वैकुंठ के जो दूत आए हैं वो वैकुंठ नाथ ने विष्णु के वो सेवक हैं। एंड द फोर कुमार आर एम्पावर्ड शक्ति अवतार ऑफ द सेम लॉर्ड। और चारों कुमार जो चार भाई सनकादि ऋषि वो भगवान के शक्ति अवतार यानी उन पर भगवान की कृपा की शक्ति उनके अंदर डाली गई है ताकि वो भक्ति का प्रचार कर सके। बाई पर्सनल एग्जाम्पल देयरफॉर द कुमारस प्रमोट द कॉल ऑफ लॉर्ड नारायण डिवोशन से वेरेवर दे गो। यानी अपने आचरण के द्वारा वो भगवान नारायण के भक्ति का विस्तार करते जिधर भी वो जाते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन तपलोक बिकॉज द सेलिब्रेट मास्टर ऑफ योगा वो रिजाइड देयर डिपेंड ऑन देयर गाइडेंस। वो हमेशा तपलोक में वास करते हैं क्योंकि वहाँ के जो निवासी जिनने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया है वही उस लोक में जा सकते हैं। ये उन पर निर्भर करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए। द कुमारस टीच देम दी पाथ ऑफ योगा एंड ऑल्सो क्रिएट फॉर देम दी हाइस्ट गुड फॉर्चून बाय स्पीकिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड एंड एंगेज देम इन कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग ऑफ हिज ग्लोरीज। ये चारों भाई क्या करते हैं उनको योग के विषय में बताते हैं और साथ साथ में उन्हें भक्ति के विषय भी बताते हैं भगवान का गुणगान करके उनका सौभाग्य प्रदान करते हरि कथा के द्वारा और उनको भगवान के संकीर्तन में सम्मिलित करते हैं। क्योंकि एक संकीर्तन ही एक ऐसा साधन है जो भगवान के अंदर तुरंत प्रेम उत्पन्न करा सकता है और अंतकरण को शुद्ध कर सकता है। As expressed in the verse by the word Eva, where Lord Vishnu is absent from Taplok, the residents suffer as if they have lost contact with him, but in their meditation they always see him. तो वहाँ के निवासी भगवान को ध्यान में दर्शन करते हैं और कभी कभी सामने, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता है तो वो उनको उनकी स्थिति खराब हो जाती है जब उनका भगवान के दर्शन नहीं होते सामने साक्षात्कार, तो फिर उनको ध्यान में दर्शन करते हैं। These brothers have gone to Vaikunth and seen the supreme truth. ये भाई लोग वैकुंठ में गए हैं और उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया यानी भगवान का साक्षात्कार किया। उस ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर ऑल एट्रैक्टिव जिसके अंदर सारे दिव्य गुण विराजमान हैं। दे फिल themselves विद अ लिमिटलेस फ्लड ऑफ एक्सटेसी दैट रिडिकुल द पास्ट ब्लिस ऑफ लिबरेशन। तो कहते हैं क्या करते हैं ये अपने आप को अनंत दिव्य रस और भाव में सम्मिलित करते हैं और मुक्ति का तिरस्कार करते हैं। एंड दे ड्रैंक द सप्लाइन नेक्टर ऑफ प्योर डिवोशन टू लॉर्ड हरि इन द कंपनी ऑफ डिवोट। और भगवान के भक्ति का आस्वादन करते हैं भक्तों के बीच में और भक्ति का यानी कथा के द्वारा नाम कीर्तन के द्वारा और भक्ति का रस आस्वादन करते हैं। कमेंट्री: सनक कुमार एंड हिज ब्रदर्स वर ट्रैवलिंग विद द मैसेंजर ऑफ वैकुंठ लोक बिकॉज द फोर ब्रदर्स हैड जस्ट बीन देयर देमसेल्फ एंड वर रिटर्निंग फ्रॉम द विजिट। तो कहते हैं
सनकादि ऋषि जो है यात्रा कर रहे थे उन वैकुंठ दूतियों के साथ, क्योंकि ये चारों भाई जो हैं बिकॉज द फोर ब्रदर्स हैड बीन देयर देमसेल्फ एंड वेटिंग फॉर, चारों भाई भी गए थे और वो वापस आ रहे थे, दे आर आत्मारम सेल्फ सेटिस्फाई से, यानी वो आत्मा अपनी आत्मा में रमन करते हैं, यानी जीव को भारी सुख प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर कोई सुख है ही नहीं संसारिक वस्तुओं में, सुख है तो केवल प्रभु के भक्ति में है, प्रभु की लीला के दर्शन में है और हरिनाम और हरि कीर्तन में है। अगर ये बात जीव अगर समझ सकता है कि ये सुख इसी में है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं, वो बाहर कभी ढूंढेगा नहीं सुख, क्योंकि बाहर सुख मिलना ही नहीं है, क्योंकि संसार की सब चीज़ तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, तो जो चीज़ परिवर्तित हो रही नष्ट हो रही वो कैसे सुख प्रदान करेगी। देयर आत्मारम सेल्फ सेटिस्फाई बट अ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी लॉर्ड विष्णु अट्रैक्ट इवन दी आत्मा राम रमन, तो कहते हैं लेकिन जो भगवान के गुण हैं उनकी लीला है, जो अपनी आत्मा में रमन करते हैं वो भी उनके प्रति आकर्षण, उनकी भी इच्छा होती मैं भगवान की लीला को सुनो, उनका गुणगान करो, क्योंकि उनमें बहुत शक्ति होती लीलाओं में, क्योंकि लीला जो है प्रेम उत्पन्न कराती है। सिद्धांत शुद्धि दे सकते हैं लेकिन प्रेम लीला से मिलेगा। अगर आप लीला नहीं, सुंदर लीला में नहीं सम्मिलित हो रहे हो तो प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। शुद्धि अच्छी चीज़ है लेकिन केवल शुद्धि पर्याप्त की, प्रेम सबसे हाई चीज़ है, और प्रेम से तो इंसान वैसे शुद्ध हो जाता है, और प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है हमारा। इन वैकुंठ द कुमारज हैड सीन द सुप्रीम लॉर्ड इन पर्सन एंड फेल्ट एक्सटेसी दैट बी लिटल द हैप्पीनेस ऑफ इम्पर्सनल लिबरेशन। तो क्या कहते हैं वैकुंठ में इन कुमारों ने कह के भगवान के दर्शन किए थे साक्षात्कार, और उन्हें जो दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी वो कई गुना अधिक थी जो सायुज्य मुक्ति के मुकाबले, जिसमें कहते हैं भगवान के जोड़ पर समाना, उससे अनंत गुना श्रेष्ठ उनको आनंद और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती। दे हैव चैंटेड द लॉर्ड ग्लोरीज अलॉन्ग विद द वैकुंठ डिवोटीज एंड एंजॉय द वंडरफुल नेक्टर ऑफ भक्ति रस। उन्हें क्या किया था, भगवान के गुणों का गान किया था वैकुंठ के भक्तों के साथ, जो चतुर्भुज जो आए थे ऊपर के, और क्या होता, और उन्होंने उस दिव्य रस की अनुभूति करते, भक्ति रस हुआ है रस की अनुभूति, और ऐसा रस है जिसकी दिल ही नहीं करता कि उस रस का मैं क्या करूँ, जिसको थोड़ा सा टेस्ट मिल गया था। भगवान की लीला इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि आपके अंतकरण को शुद्ध करके भगवान को प्रकाशित कर सकती है। अगर इंसान ध्यान से सुनता है और कथा करने वाला प्रेम से कथा करता है और भगवान का प्रेमी भक्त है, तो आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। What more can I say about Vaikunth Lok? मैं और क्या कहूँ Vaikunth Lok के बारे में। With its opulence, it displays the final limit of eternal unlimited joy. तो कहते हैं वहाँ पे जो सुख है, जो आनंद है, वो अनंत है, उसके कोई सीमा नहीं है। It is blessed abundantly by the ever visible pastime of the lotus feet of the Lord, the husband of the goddess of fortune. तो कहते हैं वहाँ पे हमेशा भगवान विष्णु के चरण वास करते हैं, यानी उसको ये सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे नित्य लीलाएं हो रही हैं, और जहाँ पे जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का वास है, तो वहाँ पे हर चीज अनंत है। द लॉर्ड्स लविंग डिवोटी इजली गेन दैट वैकुंठ। तो कहते हैं भक्तों को तो आसानी से वैकुंठ मिल जाता है, बट पर्सन विद माइंड टैनिश बाय द बैड आइडिया ऑफ कंप्लीट वननेस, लेकिन एंड जर्निंग फॉर लिबरेशन कैन हार्डली होप टू अचीव इट इवन इन देयर ड्रीम्स।
जिनका दिमाग खराब हो चुका है और जो कहते हैं मैं भगवान में सम्मिलित होना चाहता हूँ, समाना चाहता हूँ, सहज मुक्ति चाहता हूँ, तो कहते हैं वो लोग कभी भी वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर सकते। इफ यू रिसीव द फुल मर्सी ऑफ माई फादर यू विल हेयर द ग्लोरीज ऑफ वैकुंठ एंड गो देयर टू सी फॉर योरसेल्फ। गणेश जी कहते हैं अगर आपको मेरे पिता की कृपा मिल जाती है, शिव जी की कृपा, तो यू, क्योंकि ये शिवलोक में अभी बैठे हैं कैलाश में जो ऊपर है उधर कथा चल रही है, यू विल हेयर दी ग्लोरीज ऑफ वैकुंठ, आप वैकुंठ की महिमा सुनोगे एंड गो देयर टू सी देम फॉर, आपकी इच्छा होगी मैं स्वयं जाके उसका साक्षात्कार करो। कमेंट्री रेयर एंड ट्राइंग टू प्रेजेंट मोर ऑफ द ग्लोरीज ऑफ वैकुंठ टू इन हिज ओन वर्ड्स, गणेश हियर डायरेक्ट्स गोप कुमार टू सी देम फॉर हिमसेल्फ। कहते हैं मैं क्या व्याख्या करूँ, मैं तो कर भी नहीं सकता हूँ, जाओ उसके दर्शन करो और उसकी अनुभूति करो। सिंस गोप कुमार हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड लॉर्ड शिवा पर्सनल ऑडियंस, लॉर्ड शिवाज कंप्लीट मर्सी शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू ऑब्टेन, क्योंकि उसको शिव की कृपा तो प्राप्त हो ही चुकी है, क्योंकि स्वयं शिव जी से उनकी बातचीत हुई है, तो कृपा मिलना मुश्किल नहीं है उनके लिए। रिसीव द फुल मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा रिजल्ट्स नॉट इन अटेनिंग वैकुंठ बट इन रीचिंग वैकुंठ, सॉरी क्या लिखा, रिसीविंग द फुल मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा रिजल्ट नॉट इन अटेनिंग शिवलोक। कहते शिव की कृपा शिवलोक प्राप्त करने में नहीं है, बट रीचिंग वैकुंठ सर्व लॉर्ड विष्णु इन प्योर डिवोशन, जबकि वैकुंठ प्राप्ति ही शिव की रियल कृपा है, जहाँ पे हम भगवान की निजी सेवा में नियुक्त होते हैं। मतलब कि शिव की जिस पर रियल कृपा होती है वही हरि कथा कर सकता है, वही हरि नाम कर सकता है और वही हरि के धाम जा सकता है, बगैर शिव की कृपा के ये चीज़ असंभव है। श्री गोप कुमार सेड ओ ब्राह्मणस आई क्विकली बिकेम अर्जेंट टू रीच दैट प्लेस। तो गो कुमार कहते हैं ब्राह्मण मेरी इच्छा हुई, अवतावलापन हो गया, मैं जाऊँ उससे दर्शन करो, एंड दैट फीलिंग मेड मी डांस वाइल्डली, और उसके कारण मैंने नाचना शुरू किया पागलों की तरह, ऑन अ स्टेज मेड अ वेव अ वास्ट ओशन एंग्जाइटी, और कैसे ऐसे भाव और तरंग आए थे जैसे चिंता कब जाऊँगा कब जाऊँगा कब दर्शन करूँगा, उत्कंठा उत्पन्न होना, कथा का फल ही है उत्कंठा। अगर कहने वाले सही, जैसे गणेश जी कथा कह रहे हैं या शिव जी कथा सुना रहे, तो कथा सुनने के या शुद्ध उनके भक्त करें तो कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन और उनके धाम के दर्शन करने की उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है और इंसान उतावला हो जाता है, मैं कब जाऊँ और कैसे दर्शन करूँ, ये कथा का ही प्रभाव है। संतों की यही कृपा है कि वो चाहते प्रत्येक जीव भगवान की शरण जाए, भगवान के चरणों में जाए, भगवान के धाम में हमेशा वास करे, उसे बड़ी खुशी होती है, और स्वार्थी नहीं होता कि केवल मेरे को मिले दूसरे को ना मिले, ये गलत बात है। जहाँ पे इंसान सोचता है मुझे मिले उसको ना मिले तो वो कृपा उसकी हट जाती है उस पर, क्योंकि हम क्यों किसी का बुरा चाहते हैं, हम ये स्वार्थी, यानी वहाँ पर प्रेम, प्रेम में तो उदारता होती, प्रेम में तो इंसान देता ही देता है, उस पर ये भाव नहीं होता कि मैं और मेरा तू और तेरा, मुझे मिले दूसरे को ना मिले, जहाँ पे ये भाव उत्पन्न होंगे वहाँ पे उस पर कभी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, इसलिए ये प्रेम और उदारता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। फ्रॉम द मैनी थॉट्स फ्लैशिंग थ्रू माई माइंड आई कंक्लूडेड आई वॉज अनफिट टू गो, मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मैं तो अयोग्य था जाने के लिए। आई क्राई प्रोफ्यूसली एंड द फोर्स ऑफ माई सॉरो मेड मी फेंट एंड सडनली फॉल टू द ग्राउंड, मैं बहुत रोया और उस दुख के कारण मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। दैट मोस्ट मर्सीफुल ऑफ ग्रेट सोल द वन बेस्ट फ्रेंड ऑफ द वैष्णवा, तो कहते हैं उन भक्तों के पे कृपा करने वाले, यानी शिवजी जो है महान है जो सब जीवों पे कृपा करते हैं, जितने कृपा शिवजी करते हैं जितनी उदारता शिव दिखाते हैं, उनके परम भक्त है, उनमें बहुत अधिक प्रेम और दया है, तो कहते हैं उनके जैसा कोई नहीं है, तो उदारता दिखाने में बहुत ज़्यादा महान, दी वन बेस्ट फ्रेंड ऑफ द वैष्णव, वैष्णव के जो सच्चे मित्र लॉर्ड शिवा,
who cannot tolerate distress of other, जो दूसरों के दुख को नहीं देख सकते हैं, pick me up and spoke to me, तो कौन सा मुझे उठाया और मुझसे बात आ लेकिन मुझे सांत्वना देने के लिए। तो यानी सच्चा मित्र वही है जो हरि की शरण में लेके जाए, और जो हमें हरि की शरण नहीं लेके जाता वो वास्तव में हमारे शत्रु ही होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे जो भी हो। मानस अयोध्या कांड में लाइन आती है, वो सुख संपत्ति माता पिता भाई जल जाए जो प्रभु के पास जाने में हंसते हुए सहायता न करें। ये अयोध्या कांड की लाइन है, इसमें लिखा है हमारा सच्चा मित्र वही है जो प्रभु के पास जाने में सहायता करे, भजन में सहायता करे, नाम में रुचि पैदा करे, प्रभु की शरण जाने में हमें रुचि पैदा करे और उसके धाम में जाने के लिए, वही वास्तव में हमारा सच्चा मित्र है। और बाकी हम अपने स्वार्थ, मुझे छोड़ कर कैसे जाओ, मेरी रक्षा करो, चाहे तुम भी चलो, अपनी मैंने नहीं जाना। यानी हम इतने स्वार्थी हैं, ना हम खुद कुछ करना है, ना हमें दूसरे करने देना है, और हम मुँह में पड़ जाते हैं, क्या बोलेंगे, मेरे ये क्या सोचेगा, पिता क्या सोचेगा, माँ क्या सोचेगी, भाई क्या सोचेगा, पुत्र क्या सोचेगा, पति क्या सोचेगा, हम ही सोचते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, अरे भैया तो केवल कृष्ण का अंश है, तो उसी का दास है, तेरा संबंध उसी के साथ है, इन किसी के साथ तेरा संबंध नहीं है। समय आने पे सबने एक बिछड़ जाना है और तेरे को कभी मिलना ही नहीं है, और तू उनके मुंह में पड़ के अपना परलोक खराब करा, ये तेरा दुर्भाग्य है उनके मुंह में पड़ के कि भी क्या होएगा, वो क्या सोचेंगे, वो नाराज हो जाएंगे, तो आगे कौन से खुश थे जो हम नाराज रहेंगे, हमेशा नाराज ही रहते, तो कोई बात नहीं, नाराज रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हम लोग मुँह में पढ़ के हम भगवान का परित्याग करते हैं, ये गलत चीज़ है। और वो हमारे साथ कहते ना कि इमोशनल गेम्स प्ले करते हैं, भावना पर खेल करते हैं, हमको कैसे छोड़ दे, गलत है वह नहीं, हरि के ही हम दास हैं, हरि की भक्ति ही करनी है, जो हमें हरि भजन करने से रोकता है या भगवान की शरण, वो मेरा शत्रु है। और भावना मत बहो, क्योंकि कहेगा वो तो नर्क में जाएंगे, उनका चिंतन करके मैं आ सकती, आप भी नर्क में जाओगे। तो इससे ये गलतियाँ कभी नहीं करना, क्योंकि अगर उसके अंदर इतनी उसको मानता है पद सही है उसके पास है, तो तुम भी चलो भगवान का भजन करो, तुम भी हरि कथा शुद्ध नाम जप करो, तुम क्यों नहीं करते हो। हमने नहीं करना, हमने विषय बहुत पढ़े रहना है, और दूसरे को अपने स्वार्थ के अनुसार रोक के रखना है, रिश्ता खड़ा करके कि मैं तेरा स्वयं स्वरूप, तेरा बड़ा लगता हूँ, तेरा बुजुर्ग लगता हूँ, तेरा बाप लगता हूँ, माँ लगता, भाई लगता, बहन लगता, जो भी पहले उससे रोकते रहना है, पति लगता, पत्नी लगता, जो भी है हम उसको रोकते रहते हैं प्रत्येक मनुष्य को। तो ये बात गलत है, स्वयं तो हमारा पतन होता है, दूसरे को भी हम पतन कराते हैं। शिव महादेव से महादेव वैष्णव बोध पार्वती एंड आई जस्ट लाइक यू वॉन्ट टू लिव फॉर एवर इन दैट वैकुंठ लोक। तो शिव जी कहते हैं प्रिय वैष्णव, मैं और पार्वती यानी मेरी पत्नी, हम दोनों क्या कहते हैं, हम हमेशा वैकुंठ में ही रहना चाहते हैं। But that world is exceedingly difficult to attain. लेकिन उस लोक को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। Indeed, even liberated soul pray to achieve it. जो मुक्त जीव भी, कौन से मुक्त है, जो जो पे जो समय सहज मुक्ति है, वो भी चाहते हैं कि मुझे वैकुंठ मिले। तो ब्रह्मा सन्स एंड ब्रह्मा हिमसेल्फ स्ट्राइव फॉर इट एंड सो इवन डू आई। ब्रह्मा और उनके पुत्र जो हैं, जैसे सनकादि ऋषि है, दक्ष प्रजापति है, नारद जो उनके मानस पुत्र हैं, वो भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ, तो सभी उस वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं। कमेंट्री फॉर द लिबरेटेड इम्पर्सन एंड फॉर द डेमिगॉड्स सच एज शिवा ब्रह्मा एंड सन्स ऑफ लाइक भृगु, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ इज साध्य द गोल टू बी अटेन बट नॉट येट साधित एक्चुअली ऑब्टेन। यानी जितने भी है भृगु ऋषि वगैरह के, ब्रह्मा शिव जी सारे हो गए, उनका भी लक्ष्य है, साध्य क्या है कि वैकुंठ को प्राप्त करना, लेकिन अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। ओनली वन हु हैज कम्प्लीटली परफेक्टेड हिज रिलीजियस ड्यूटी, हु इज प्योर, हु इज डन विद सेल्फिश मोटिव एंड अचीव द मर्सी ऑफ श्री हरि। तो कहते हैं जो पूर्ण, जिसने पूर्णता प्राप्त किया अपने भजन में, अपने नित्य कर्मों में, जो आपको करना होते ड्यूटीज, जो शुद्ध है,
उस जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, एक्चुअली जीव को पता नहीं उसका स्वार्थ कौन सी। उत्तरकांड क्या बोलती है, जीव का स्वार्थ यही है कि कैसे प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और यही हमारा स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ ये वस्तु मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो करो, वो खा लो, वो पहन लो, वो चीज़ नहीं। स्वार्थ है कि प्रभु के प्रति मेरा प्रेम कैसे बढ़े, यही एक सच्चा स्वार्थ है जो हमारे को अपने अंदर उत्पन्न कराना, और ये साधु संग में ही उत्पन्न होता है। जी सोचते हैं कि स्वार्थ पूर्ति क्या, भौतिक वस्तु क्यों मिला, वो रियल स्वार्थ है नहीं, क्योंकि वो विद समय खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर मिल भी गया, अगर तुमने शरीर छोड़ दिया कल, मृत्यु कोई भी रूप में आती है तो तुम्हारे वो किसी काम के नहीं। तुमने इतना मनुष्य मेहनत की, परिश्रम किया, साधना की, और तुम तो उसको भोग भी नहीं सके, तुम मर गए। तो उस अस्थाई वस्तु के लिए क्यों तुम प्रयास कर रहे हो, क्यों नहीं प्रभु के नित्य धाम नित्य सेवा की याचना करो कि मैं उसके नित्य धाम नित्य सेवा प्राप्त करूँ और हमेशा उन्हीं के चरणों में रहूँ। तो कहते हैं जिसका कोई स्वार्थ नहीं, कैन अचीव दी मसीव श्री हरी। तो जो शुद्ध होते हैं, जिनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी इंसान को ये प्रॉब्लम पता है, मुझे मिले उसको ना मिले, मैं करो दूसरा ना करे। जिसके अंदर ये भाव होते हैं, स्वार्थ मैं को मिले उसको ना, मैं करो उसको मौका ना मिले, मैं पहले कर दो, तो वो कृपा से हट जाता है। वो कहता है सभी करो। अच्छा तुमसे अगर आप कोई सेवा करो, कोई आपसे मांग रहा है कि मुझे सेवा दो, आप उसकी मौका दो, क्योंकि उसको पुण्य कमा दो, उसका सौभाग्य दो, वो सेवा करेगा, उसका पुण्य, उसका पुण्य कमाने का फल कितना ज़्यादा आपको मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। खुद पुण्य कमाना अच्छी बात है, लेकिन किसी को हेल्प करना पुण्य कमाने में ये और श्रेष्ठ चीज है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि राजा जनक ने जब श्री छोड़ा था तो उसे ले जा रहे थे, और जब लेके जा रहे थे तो यमदूत तो उनको नरक से ऊपर से लेके जा रहे थे कुछ क्षणों के लिए, नरक के अंदर, नरक के बाहर। और जब वो नरक के बाहर गुजरे तो उधर देखा कि सभी लोग बहुत विलाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत पीड़ित है, दुखी है, उनको यातना भोगत रहे हैं, बहुत ज़रा उनके हालत खराब हो गया, उनका बहुत तरस आया। तो जब वो जा रहे थे तो अंदर के आवाज़ें, भाई जनक जी आप हमें छोड़ के मत जाइए, आपके शरीर से जो वायु स्पर्श करके आ रही उससे हमको शांति मिले, क्योंकि आपके बहुत अलग पुण्य है। तब पुण्यशाली मनुष्य के दर्शन करने मात्र से, या जो कुछ उसके शरीर से अगर स्पर्श होती है, कोई वायु भी आती है तो उसको राहत देती है, पीड़ों से थोड़ी कम करती है, तो आप हमें छोड़ के मत जाइए। तो वो रुक गए। तो यमदूत ने बोला, भाई चलो आपको तो स्वर्ग जाना है, आपको बहुत लंबे समय उधर है ना, ये तो दुष्ट है, पापी है, अपने पाप कर्म को भुगत रहे हैं, तो तुम इनकी चिंता मत करो। तो कहते हैं कि मुझे बताओ कि मैं तो यहाँ से क्यों जाना पड़ा। तो कहते हैं आपसे कुछ गलती हो गई थी, उस गलती का प्रायश्चित करने के आपको केवल नर्क से ऊपर से जाना पड़ा, दर्शन करना कराना पड़ा, आपको नर्क पे अंदर नहीं जा, उसको केवल दर्शन करा के जाना पड़ा आपको यहाँ से। तो जो कुछ आपसे कमी थी, गलती हो गई थी आपके जीवन से, वो उसका वो यह प्रायश्चित हो गया, अब आप चलो, आपके तो बहुत लंबे समय स्वर्ग में वास करना। तो कहते जी मैं इनको ऐसे दुखी देख के नहीं जा सकता हूँ, मैं इनको दुखी छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो कहते इनका उद्धार कैसे होगा। कहते उद्धार तो हो नहीं सकता, आप अपने पुण्य अर्पण करो, आप पुण्य अर्पण करोगे तो इनका सबका उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग चल जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने पुण्य पर। कहता पुण्य आपके चले गए तो आपके पास क्या आ रहा, तो आपको फिर नर्क में जाना पड़ेगा, आपको उसका पुण्य नहीं, क्योंकि जिसका पुण्य होते हैं वही स्वर्ग में जाता है, तो आपके पुण्य अर्पण कर दे तो आपको फिर नर्क में जाना पड़ेगा। कहते मेरे पुण्य अर्पण करने से अगर करोड़ों जीवों का उद्धार होता है, मुझे नर्क में जाना मंजूर है। वो अपना संकल्प देते अपने पुण्य अर्पण करते हैं, जैसे पुण्य अर्पण करते हैं तो लाखों करोड़ों जीव निकल जाते हैं। जैसे ही वो निकल जाते हैं स्वर्ग के लिए, नर्क से यात्रा छूट जाते हैं, तो तुरंत विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं। तो विष्णु दूत प्रकट हुए तो उन्हें कहा चलो आपके लिए विमान आया वैकुंठ जाने के लिए। उसने कहा मेरे पास सब पुण्य, मैंने सारे पुण्य अर्पण कर दिए, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो स्वर्ग भी नहीं जा सकता, वैकुंठ दूर की बात है।
कहते हैं आपने अपने पुण्य अर्पण के जीवों के दुख को दूर करने के लिए उस पुण्य अर्पण का क्या फल है, वह है वैकुंठ की प्राप्ति। कि यानी हम अगर किसी के हेल्प करते हैं, भगवान की तरफ जाने में किसी के दुख को दूर करते हैं, या कोई सत्कर्म करना चाहता है हम करते तो हम ही हैं, लेकिन बाय चांस कभी उसकी इच्छा के उसकी सहायता करने तो उसका हेल्प कर तो कर, ताकि वो भी कृपा कमा ले, कृपा ले ले। तुम स्वार्थी क्यों, मैं ही कमाओ उसको ना दो, जब ये भाव थे मुझे करो उसको ना करो, और हमें ईर्ष्या होती है तो क्या था वो कृपा हट जाती है भगवान की, क्योंकि तुम स्वार्थी हो। जब आप दूसरे की सहायता करते हो और भी पुण्य कमाने के लिए, तो उसको हेल्प करना उसका कितनी जबरदस्त फल लगा आपकी कल्पना के बाहर है। तो ये मैंने आपको दृष्टांत दिया समझाने के लिए कि किस प्रकार हमको सहायता करनी चाहिए दूसरे के लिए आगे बढ़ने में, भगवान की तरफ जाने में। स्वार्थी नहीं बनना है हमको, जैसे हम नॉर्मल होते हैं, वो मेरी सेवा तो मेरी रोटी की सेवा थी, अब उसे मेरी सेवा ले ली, ये ली, बोले वो बात गलत हो जाती है। If that mercy is multiplied 100 times, one attendee post of Brahma, तो कहते हैं जिसने अपने ड्यूटीज पूरी की है और जिसका शुद्ध हो गया, जिससे कोई स्वार्थ नहीं है और वो कृपा का अधिकारी हो जाता है भगवान का, अगर उस कृपा को 100 गुना हम करते हैं तो कहते हैं वो ब्रह्मा के पद पर जाता है। एंड इफ 100 times अगेन वन कैन बिकम लाइक उसका ब्रह्मा के पद, उसके पास और 100 गुना कृपा मिल जाए तो वो शिवलोक पर जा सकता है। एंड इफ वन ऑब्टेन्स फ्रॉम द डिवाइन पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड मोर मर्सी देन आई, और 100 times मोर, यानी 100 गुना ज्यादा कृपा मिलती है जितना मेरे को मिली है भगवान के प्रति, वन कैन गो टू वैकुंठ, और वैकुंठ में भी जा सकते हो। कमेंट्री, दिस इज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अचीव एंट्रेंस इन टू वैकुंठ। देखो कितना दुर्लभ है वैकुंठ, और मुश्किल है वैकुंठ को प्राप्त करना, लेकिन महाप्रभु ने कलयुग जीवों के लिए हरिनाम संकीर्तन दिया है और कहते हैं कि इसका आश्रय लो और महाप्रभु के गुणों का गान करो, आप योग्य हो या अयोग्य हो वो मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें लेकर जाना। जो चीज अति दुर्लभ है वो महाप्रभु अनित्यानंद प्रभु की कृपा से बहुत सुलभ हो चुकी है हम लोगों के लिए, इसके कोई निराशा की वाली बात नहीं है। जो ये बता रहे इतना दुर्लभ है, बात सही है, लेकिन ये जो महाप्रभु का होता है ब्रह्मा जी के, एक दिन में एक ही बार होता है, यानी 1000 क्षेत्रों में एक ही बार आता है। तो अगर इस युग में महाप्रभु आए हैं और उन्हें हरिनाम संकीर्तन दिया और अपनी लीला गुणगान करने के लिए कहा है, तो यानी इससे सरल उपाय और हो नहीं सकता भगवान के ब्रज धाम वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो लॉर्ड शिवा ऑल्सो डिस्क्राइब इन इंस्ट्रक्शन टू द प्रचेता इन द 4th canto, 4th स्कंद के अंदर प्रचेता को भी शिव जी बात कहते हैं, अ पर्सन हु एग्जीक्यूट्स ऑक्यूपेशनल ड्यूटी प्रॉपरली फॉर 100 births, जो अपने नित्य नियम को बराबर फॉलो करता है 100 जन्मों के लिए, बिकम्स क्वालिफाइड टू ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ ब्रह्मा, वो ब्रह्मलोक पाने का अधिकारी हो जाता है। एंड इफ ही बिकम्स मोर क्वालिफाइड ही अप्रोचेज मी, और योग्यता आती है तो फिर वो शिवलोक जाता है। बट अ पर्सन डायरेक्टली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा और विष्णु इन अनअलर्ट डिवोशन सर्विस, तो कहते हैं जो कृष्ण या विष्णु के प्रति शरणागत है और अन्य भक्ति करता है अपने सर्वस्व उनको मानते हुए, इज एट वंस प्रमोटेड टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट, वो तुरंत वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। आई एंड अदर डेमिगॉड्स अटेन दोस प्लैनेट आफ्टर डिक्सेशन ऑफ द मटेरियल, मैं या अन्य जो देवता हैं हमें उस लोकों की प्राप्ति है जब इस भौतिक जगत का संहार होता है। यानी एक होता है आंशिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के रात्रि में होता है, तो वहाँ पे तो स्वर्गलोक ही नष्ट होता है, उसके ऊपर के लोग तपलोक जनलोक मैरलोक का सत्य इनका नाश नहीं होता, लेकिन जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाते हैं तो ब्रह्मलोक तक भी नष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनको वो मिलता है ऊपर का, फिर वैकुंठ प्राप्त होता है। तो एक होता आंशिक प्रलय, एक होता पूर्ण, तो जब पूर्ण होता है महाप्रलय जिसको बोलते हैं,
वो ब्रह्मा भी उसके खत्म हो जाते हैं उनके 100 साल के बाद। नहीं तो ऐसे तो पहले तो हर रोज ही होता ब्रह्मा जी के जब उनकी रात्रि होती है, लेकिन उनकी रात्रि हमारे तो 1000 चतुर्थ समय बीत चुका होता है। सम डेमिगॉड इनक्लूड लॉर्ड शिवा और क्वालिफाइड फॉर प्रमोशन टू वैकुंठ, को देवता जैसे शिव जी हैं उनमें योग्यता वैकुंठ जाने की, बट ओनली आफ्टर दे कम्प्लीट लॉन्ग अपॉइंटमेंट एज यूनिवर्सल रूलर्स। तो वो तभी जब वो अपने जो उनको जो ड्यूटी दी गई है, नियुक्त किया गया है जिस कार्य के लिए शासन करना या नाश करना, उसके बाद ही उन्हें मिलेगा। एंड आफ्टर दे सबकल बॉडी आर डिजॉल्व बाई दी अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, और उनका जो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है, वो मुक्त के अधिकारी होते हैं। बट प्योर डिवोटी ग्रेस्ड विद अ सफिशियंट पोर्शन और लॉर्ड विष्णु मर्सी, जो शुद्ध भक्त होते जिन्हें विष्णु की कृपा प्राप्त हुई थी, नीड नॉट सर्व सच लॉन्ग टाइम एज डेमिगॉड, उनको ब्रह्मा शिव जी की तरह इतना समय रुकने की आवश्यकता नहीं है। दे कैन अचीव वैकुंठ मच मोर क्विकली, उन्हें वैकुंठ तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। वी रेड इन द इतिहास समुचय इन द नरेशन अबाउट मुदगल, क्या कहते हैं, अबाउट द डोमेन ऑफ सुपर सोल ब्रह्मन इज द सुप्रीम अबोड ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो कहते हैं जो ब्रह्म ज्योति जो आती है उसके ऊपर विष्णु लोक आता है, ये हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि वो खुद गोकमा देखता है कि ज्योत में समा रहा था, लेकिन वो मंत्र के जाप से भगवान ने बचा लिया और ज्योत पे समाने नहीं दिया, नहीं तो मेरे को उससे अलग सुख मिल रहा था, लेकिन उससे अधिक सुख होता है भगवान के दीदी लीला में। तो वो सुख इतना जबरदस्त था और इतनी फोर्स थी और मुझे ज्योत पे समाने की, लेकिन वो जो मैं मंत्र जपता रहा गोपाल मंत्र, इससे मैं बचा रहा। मतलब ये है कि भगवान के नाम का जप अगर हम कंटिन्यूस करते रहेंगे तो मंत्र हमें देखो निज धाम में हमें लेके जाएगा, नहीं तो अगर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो जैसे मोक्ष में हम समा जाएंगे और आप अपने को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि या तो कंटिन्यू जप करो, वो नाम में इतनी पावर है कि आपको निकाल के ले जाएगा, अगर आप रोक लिया जब तक भगवान के निजी धाम में निजी सेवा नहीं मिले तो वो शायद मोक्ष भी आपको समा देगा, वो ये भी हो सकता है। इट इज़ द प्योर एटर्नल स्काई नो एज परब्रह्म, यानी वो जो उसे कहते हैं परब्रह्म कहते हैं, वो शुद्ध स्थान है। सेंटी पर्सन्स हु आर फ्री फ्रॉम पोजेसिवनेस एंड ईगो, जिनके अंदर मैं और मेरा तू और तेरा और व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, जो उससे मुक्त है। हु आर बियॉन्ड डुअलिटीज, जो द्वंद्व से परे, द्वंद्व क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख जन्म मृत्यु, यानी ये चीज निरंतर लगी रहती है। ये नहीं कि खुशी है तो मैं बहुत नाचना शुरू करूं और दुख है तो मैं बहुत परेशान हो जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ये बात समझनी चाहिए, ये रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। आज अनुकूलता तो खुश मत हो क्योंकि कल प्रतिकूलता आएगी आएगी, और आज प्रतिकूलता तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं है कि जैसे कभी अनुकूलता नहीं की उसके आना है, कोई भी समय नित्य नहीं रहता। लेकिन जो कृष्ण की लीला में मग्न रहता है उसके लिए अनुकूलता प्रतिकूलता का फर्क ही नहीं पड़ता, सुख का दुख का प्रशंसा निंदा का फर्क ही नहीं पड़ता। प्रशंसा और निंदा अनुकूलता प्रतिकूलता उसी पे असर करती है जो संसार में आसक्त है। प्रशंसा की तो खुश हो गया, निंदा की तो परेशान हो गए, और जो कृष्ण की लीला में मग्न रहते हैं उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हु हैव कंट्रोल्ड देयर सेंसेस, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश पे किया द्वंद्व से परे हो गए, एंड हु आर फ्रीड इन मेडिटेशनल योगा गो टू दैट अबोड, जो चिंतन करते हैं भगवान का वही उस धाम के अधिकारी होते हैं, क्योंकि जिधर जाने की लालसा है उसका चिंतन तो पहले करना पड़ेगा। समझो मुझे नासिक जाना तो नासिक के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, अगर मुझे पुणे के बारे में चिंतन करना पड़ेगा तभी मैं जा सकता हूँ, नहीं चिंता तो कैसे जाऊँगा, भाई जाना कैसे जाना, कौन सा रूट है क्या है, नासिक जाना कौन सा रास्ता है, दिल्ली जाना तो कौन सा रास्ता है, उसका चिंतन। तो जिधर चिंतन करोगे उधर जाने का प्रयास करोगे करोगे। तो इसलिए जब कथा सुनते हो उस कथा का चिंतन, भौजिक कथा में क्या सुना क्या बोला, और उस वैकुंठ धाम जाने की हमें प्रेरणा मिलती है, लालसा उत्पन्न होती है और मुझे भी उस धाम में जाना है। इस भाव से जब हम हरिनाम करेंगे तो हरिनाम चिंतामणि है, जिस भाव से करेंगे वो आपको लेके जरूर जाएगा।
और प्रभु को पता हम कलयुग के जीव हैं, अनर्थों से भरे हैं, प्रभु को सब पता है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम केवल हरिनाम करिए, मेरी लीला का गुणगान कीर्तन करिए, बस यही दो काम पर्याप्त है मेरे पास ले जाने के लिए, और किसी और साधन की जरूरत नहीं है। तो ये तो कोई भी कर सकता, नाम जपते जीवा जानी कीर्तन यानी हरी कथा एक दूसरे डिस्कस कर सकते हो। जब कोई भक्त मिले रोना पीटना डिस्कस करने के बजाय हरी कथा डिस्कस करो तो प्रॉब्लम ही कहाँ रहेगी। आपका भी मन साफ, उनका भी मन साफ, दोनों के अंदर प्रेम उत्पन्न होएगा। तो कहते हैं गोट द अबोर्ड ऑफ द एटर्नल अनबॉर्न लॉर्ड हरि और कृष्णा इज वेरी से नोन एज विष्णु। तो प्रभु अजन्मा है, उन्हें हरि को कृष्णा कहा गया और उनको विष्णु नाम से भी संबोधित किया गया। कृष्णा जिष्णु विश्वक्सेन एंड द फोर आर्म लॉर्ड नारायण दोज हु वर्शिप दैट सुप्रीम लॉर्ड मेडिटेटिंग ऑन हिम एज द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल पर्सन रिमेंबरिंग हिम एज द इनफेलिबल लॉर्ड अचीव दिस इनफेलिबल अबोर्ड। तो कहते हैं जो उन भगवान के या उनके अवतारों का यानी जो आपके इष्ट है, आपके श्राम हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, नरसिंह हो सकते हैं, जो भी जो उसका चिंतन करते हुए नाम जप करते हैं, चिंतन करते हैं, शीत छोड़ता है तो वो उनके निज धाम में जाता है। क्योंकि सबके अपने धाम है, नरसिंह जी का अपना धाम है तो मोक्ष सब में, बाकी अंतर तो रस में आता है, बाकी तो सब मोक्ष के द्वारा है, समझे ना। बाकी तो और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैकुंठ में भी मोक्ष है और सारे शिवलोक में भी मोक्ष है, सभी हैं। बाकी जहाँ पे आता है रस का आस्वादन और जो सुख आनंद आता है जो कृष्ण भक्ति में, वो हाईएस्ट माना गया है। सच यदि एटर्न प्रोक्लेमेशन विशेष शास्त्रों का सार है। But you deserve to go to Vaikunth, O son of Govardhan Cowherd, यानी ग्वालियर जो तो गिराज में रहने वाला है वो तो वैकुंठ जाने का अधिकारी है। For you are a devotee of Lord of Mathura, क्योंकि तो मथुरा नाथ का भक्त है। A disciple of a Brahman attached only to Lord Devotional Service, और तो उन ब्राह्मण का शिष्य है जो जिसकी आसक्ति केवल भजन में है, भक्ति में है, डिवोशन यानी भक्ति में है, जिसके अटैचमेंट है उसे योग ज्ञान कर्म कांड से कोई लेना देना नहीं, जो केवल हमेशा भक्ति भक्ति में नाम कीर्तन और लीला कीर्तन, बस वही भक्ति है, उसके अलावा भक्ति कोई परिभाषा नहीं। जो मनुष्य राधे नाम कीर्तन करते हैं या लीला का गुणगान करते हैं समझो वही एक्चुअल भक्ति करें, उसके अलावा भक्ति कोई परिभाषा नहीं। ये बात रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंदर आती है और यही बात हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल गए हैं, चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा इज डिवोशन। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत क्लियरली बात बोली। अ सोल डेडिकेट लॉस मंत्र गिवन यू बाय योर गुरु। तो वो ऐसा जीवात्मा है तो भिन्न भिन्न लोकों में गया तो ने अपने मंत्र का जाप नहीं छोड़ा, भले कितना भी सुख मिला, कितना भी प्रलोभन उधर था, लेकिन फिर भी तो ने अपने मंत्र का जाप नहीं छोड़ा। इसी कारण से तो भिन्न भिन्न लोकों से निकल के और ऊपर जाता गया, इससे तेरे को कृपा मिली, ऊपर के लोग आते गए, निवास है तेरे को समझाते गए और धीरे धीरे तो ऊपर जाता। अगर तुम अपने मंत्र को छोड़ देता तो शायद उदय तेरे को लगता ये परम सुख है तो स्वर्ग में अटका रहता, ना तो जन लोग जाता, ना तप लोग जाता, ना ब्रह्म लोग जाता, ना तो शिव लोग जाता और ना तेरी इच्छा वैकुंठ आने की होती थी। तो कहने का भाव क्या है कि मंत्र जाप तब तक रुकना चाहिए नहीं है जब तक हमको कृष्ण के निज धाम में निजी सेवा ना प्राप्त हो जाए। चाहे कितना भी सुख हो, कितने भी प्रलोभन, अगर मेरे इष्ट राधा कृष्ण हैं तो जब तक मुझे राधा कृष्ण की निजी सेवा नहीं, मुझे हरि नाम नहीं छोड़ना। चाहे मुझे विष्णु भी मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सुख है, मोक्ष तो सौंदर्य है, सब कुछ है, बहुत सुख। या मुझे राम सीताराम जी मिल जाए, चाहे मुझे द्वारकाधीश मिल जाए, वो आश्चर्य बॉम्बे राजा की कृपा,
लेकिन अगर मेरे भाव राधा कृष्ण ब्रिज के प्रति हैं तो मुझे मंत्र जाप करना, जब तो मैं ब्रिज में ना पड़ूं, मंत्र लेके जाएगा ही जाएगा आपको। ये जो हम जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं ये भक्ति प्रधान मंत्र है, ये ब्रिज का मंत्र है, क्योंकि ये राधा रानी का मंत्र है। या जैसे आप अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, ओम कृष्ण नमो, ओम नमो नारायण, तो यह वैकुंठ या द्वारका तक आपको ले जाता, क्योंकि वासुदेव नहीं, वासुदेव के पुत्र उधर ले जाता। हरे का मतलब राधा रानी, जब हम राधा रानी को संबोधित करते हैं तो ये मंत्र हमको राधा रानी के चरणों में लेके जाएगा। और इसको तो राधा रानी का नाम आठ दफा आता है, हरे 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 करे तो आठ दफा आता है, तो ये हमें तो लेके जाएगा जाएगा हमारा मंत्र जो है। इसलिए अगर हम ये ग्रंथ पढ़े ना, अगर हम समझें कि मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, तो कितने भी ऊंचाई पे पहुँच जाओगे ना, आप मंत्र को नहीं रोकेंगे। इवन मथुरा जाने के बाद भी मंत्र नहीं रोकोगे, तब जाके आप गोलोक में राधा कृष्ण की निजी सेवा प्राप्त करोगे। यानी इतनी ज़्यादा हमको मंत्र के प्रति आसक्ति और रुचि होनी चाहिए। ये अटैचमेंट और रुचि, बस इसको छोड़ो ना, एक पल भर के भी ना छोड़ो, इतनी हमको होनी चाहिए। अगर आपका समय है तो 64 हो गए, 80 करो, 100 गए, समय है तो 96 करो, हो गए तो 128 करो, टाइम है तो और करो और करो। मैं जब तक आपको नींद ना, इसको निरंतर जपते जाओ। ये ग्रीड, ये जो भूख है, लालसा है, वही क्वालिफिकेशन है गोलोक में ले जाने की, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं। यही एक क्वालिफिकेशन है जो हमें गोलोक लेके जाएगी, वो ग्रीड पैदा करना, लोलुपता, लालच चाहिए हमको, इंटेंस, थोड़े लालच नहीं, बहुत ज़्यादा, कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा वही चाहिए, और मैं रोकूंगा नहीं जब तक मुझे प्राप्त है कि मुझे खूब करते रहना है, चाहे कुछ भी हो, मैंने उसी को प्राप्त करना है। इस भाव से जब इंसान करता है तो वो कृपा का बहुत अधिकारी हो जाता, वही वास्तव में कृपा का अधिकारी होता है। तो कहते हैं तो उस ब्राह्मण का शिष्य जो भक्ति में लगा था और सडिक टू लॉर्ड मंत्र, तो जो है जो अपने मंत्र पे तो समर्पित है, गिवन बाय अ गुरु, क्योंकि नाम जप करना ही नाम की सेवा है, और नाम की सेवा कृष्ण की सेवा, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से, नाम की सेवा में अब कृष्ण की सेवा। जब आप निजी धाम पे कृष्ण की सेवा कर रहे हो, वो मूर्ख है जो कहते हैं तुमको सेवा नहीं करते, माला करते हो, उसको ये नहीं पता वो नाम सेवा करके कृष्ण की निजी सेवा करे, क्योंकि उसको समझा ही नहीं, उन्हें सही साधु संग किया नहीं, या से शास्त्र पढ़े नहीं, उसका प्यास उसको रियलाइजेशन भी नहीं है कि नाम सेवा ही राधा कृष्ण की निजी सेवा है। हमें अभी अनुभूति नहीं हो रही है क्योंकि अनर्थ है, लेकिन समय आने पे ये चीज अनुभूति होगी। जब तक ये अनुभूति ना, तो शास्त्र पे या संतों पे विश्वास करो, उनके वाक्यों पे विश्वास करो, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के शब्दों पे विश्वास करो, प्रभुपाद जी के शब्दों पे विश्वास करो, रूप गोस्वामी के, रघुनाथ गोस्वामी के, हरिदास ठाकुर के, इन सबके वचनों पे विश्वास करो कि यही सब कुछ है, हाईएस्ट है। जब तक हमको उसकी अनुभूति पूर्ण रूप से नहीं होती, हम निरंतर नाम सेवा करते रहेंगे, चाहे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, कोई आलोचना करे या जो मर्जी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इधर किसी को प्रसन्न करने नहीं आए, हम तो अपनी राधा रानी को प्रसन्न, महाप्रभु को प्रसन्न करने आया, ये भाव से हमको चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो रियली अप्रिशिएट करेंगे, बहुत श्रेष्ठ कर्म करो, हरि नाम को, बहुत दुर्लभ है संसार में। जैसे कलयुग बढ़ेगा ये और कम होगा, मैक्सिमम आलोचना ही होगी, निंदा ही होगी, लेकिन विचलित होने की हमको जरूरत नहीं है अगर हमें सही साधु संग मिल रहा है। इसलिए ये महाप्रभु की बहुत जबरदस्त कृपा है, हमको ब्रह्म भागवतम जैसा ग्रंथ पढ़ने का और सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सनातन गोस्वामी की जो लवंग मंजरी है, हम डायरेक्ट कृपा ले रहे हैं, राधा रानी की जो मंजरी है, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, हम उनकी डायरेक्ट कृपा ले रहे हैं। उनके ग्रंथ को पढ़ के हम सब सनातन गोस्वामी का डायरेक्ट संग करें, आप मेरा संग नहीं करो, हम सब सनातन गोस्वामी का लवंग मंजरी का संग करें, इससे बढ़कर और कोई कृपा नहीं हो सकती। क्योंकि आप उन्हीं के ग्रंथ पढ़े तो उन्हीं के लिखे हुए शब्दों के कारण आप आकर्षित होकर आ रहे कथा सुनने के लिए। तो हम किसका संग करें? सनातन गोस्वामी का। तो महाप्रभु की कृपा से हमें सनातन गोस्वामी का संग मिला है, यानी महाप्रभु का संग, क्योंकि उनकी कृपा शक्ति रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अंदर है, तभी हम इन सारे गूढ़ रहस्यों को समझ पा रहे हैं, महामंत्र की महिमा को और गोलोक की क्या महिमा है हम पढ़ रहे हैं। आप इतने समय से सुन रहे हो तो आप समझ रहे हो कि क्या इसकी विशेषता है।
तो कहता है गुरु एंड वन हु इज फेथफुल इन द सर्विस टू द लॉर्ड, और जो निष्ठा से अपने ठाकुर जी की सेवा करता है। नाम जप करना ही नाम की सेवा, निष्ठा से करो, लगन से करो। दिखने बहुत से लोग साधु जैसे दिखेंगे, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है, सबका स्तर एक जैसा नहीं होता, और सभी लोग आपको हरि नाम में प्रेरणा दे ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि स्तर जितना होगा वो उसी स्तर के हिसाब से बात करेगा। जब बहुत ऊंचे स्तर पर होंगे, भगवान के परी होंगे, वही आपको प्रेरणा देंगे भजन करने की, नाम जप करने की। नहीं तो प्रत्येक मनुष्य बोलेगा बस करो, इतने ही करनी, इसके ऊपर नहीं माला करनी, 20 करिए बहुत हो गया, आप 16 की बस हो गया, 25 हो गया, उसके ऊपर नहीं करना। हर इंसान रोकता है, यानी बिना रागुनगा भक्ति के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर। वैधिक भक्ति ज़्यादा रखेगा मोक्ष दे सकेगी, वैकुंठ भी मिलना मुश्किल है वैधिक भक्ति से। रागुनगा भक्ति से ही हमको भगवान के निज धाम की सेवा मिलती। तो सबका स्तर अलग अलग होने के कारण विचारों में अंतर हो सकता है, भाव में अंतर हो सकता है, तो ठीक है। लेकिन जो सिंसियर होते हैं, जिन पे कृपा होती है भगवान की, उन्हीं को ब्रह्म भागवतम जैसा ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, और उनको समझ आती है कि मुझे किस तरह तक उठना है, मुझे मंत्र जाप नहीं छोड़ना, मंत्र सेवा नहीं छोड़नी है। या हमारे वो जैसे चैतन्य भागवत पढ़ ली, चैतन्य चैतामृत पढ़ ली, ये केवल भगवान की कृपा से ही सब ग्रंथ पढ़ने को मिलते हैं। प्रेम विलास ग्रंथ पढ़ लिया, ये केवल कृपा से मिला जाता है। नहीं तो हमारे गोस्वामी ग्रंथ पढ़ना बहुत कृपा चाहिए, ये बहुत दुर्लभ है। और जिस पे महाप्रभु की राधा कृष्ण कृपा थी वही पढ़ता है, और वही उन्हीं की कृपा से वो ब्रिज का अधिकारी होता है। डायरेक्ट ब्रिज बनी जाएंगे, लेकिन महाप्रभु हमें डायरेक्ट ब्रिज में लेके जाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा करो, हमें हरे कृष्णा ही करना है, लेकिन चिंतन क्या करो, महाप्रभु की लीला का चिंतन करो, यानी महाप्रभु की सेवा, उनकी आज्ञा मानना, उनकी लीला का चिंतन, उनकी लीला का डिस्कशन करना, हाईएस्ट बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो उदारता है। समय ना बात, हाँ, क्योंकि अब लगे जी कृष्ण लीला का चिंतन तो हमें अधिकार नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है, तो लीला बहुत हाई लेवल की है। आप केवल हरे कृष्ण का जाप करो, महाप्रभु की लीला ही कृष्ण लीला है, महाप्रभु की लीला का चिंतन से आप 100% अधिकारी बनते हो गोलोक जाने के, वृंदावन में, जैसे इनडायरेक्ट एंट्री कहते हैं। डायरेक्ट में तो मुश्किल है, लेकिन महाप्रभु कृपा से, नित्यानंद प्रभु कृपा से हमको डायरेक्ट मिल जाता है, प्रवेश मिल जाता है। इसलिए मायापुर धाम जो है वो साधन का धाम है, और ब्रज धाम जो है वो रस लेने का धाम है। तो पहले साधन करिए, महाप्रभु की कृपा लीजिए, नित्यानंद प्रभु कृपा लीजिए, और फिर आप ब्रज के अधिकारी हो गए। इनकी कृपा बगैर ब्रज का रस नहीं मिलेगा। हमारे सारे गोस्वामियों को ने साधना कहाँ पे किया, मायापुर धाम नवदीप में किया, मायापुर में किया, और बाद में महाप्रभु कृपा से सबने ब्रज में वास किया है। ब्रज में वास बाद में, पहले महाप्रभु कृपा सबसे जरूरी चीज है। इसलिए मायापुर नवदीप धाम को कभी निगलेक्ट मत करो, क्योंकि वही हमें अधिकारी बनाएगा। और महाप्रभु की लीला जो भी है, उनके पार्षदों की लीला, उनकी अपेक्षा मत करो। कृष्ण लीला समझ में नहीं भी आ सकती है, आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन महाप्रभु की लीला तो बहुत सिंपल है। उसको तो हर चैप्टर में आता है हरिनाम करना, और तो कुछ दिया, और उन्होंने जो लीला किया प्रत्येक मनुष्य को प्रेरणा दी है हरिनाम करने की। उन कैसे कैसे भक्तों का उद्धार किया, कैसे कैसे व्यवहार किया, क्या क्या उपदेश दिया, सनातन शिक्षा पढ़ लो, रूप गोस्वामी की शिक्षा पढ़ लो, उपदेश दिया रघुनाथ दास गोस्वामी की, क्या शिक्षा दी है पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु की ग्रंथ सब लिखा हुआ है, आप पढ़िए। चैतन्य चैतावली जो इस पर लिखा है पढ़िए, वो पढ़ने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। कमेंट्री, ऑल्दो वैकुंठ लोक इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव, कहते हैं वैकुंठ प्राप्त करना बहुत कठिन है। गोकुमार इज फिट टू गोदिया लॉर्ड शिवा मेरली मेंशन द 10th सेवा गोपाल मंत्र विद ग्रेट रिस्पेक्ट एज द That mantra office, because further words could not adequately express the glory of the mantra and the content of the potency. तो यानी उन्हें संकेत मात्र से कहा है कि तू जो गोपाल मंत्र का जाप कर रहा है उसी से तू अधिकारी हो गया। कहते पूरा वर्णन
तो उस मंत्र का करने की क्षमता किसी में नहीं आती। यानी भगवान के नाम का जो महिमा हम जो पढ़ते हैं, जितना में लिखा है या हम पढ़ते बैठा, वो हम अपनी सीमा के अंदर करते हैं, अपनी समझ के अंदर। उसके यही अर्थ है नहीं, उसकी इतने और अर्थ होंगे जितना जिसका भजन बढ़ता है, जिसकी अनुभूति होती है ना उसको, उतनी वो चीज़ रियलाइज़ होता है कि इसका कितनी गहराई है, वो कहाँ तक हमको लेकर जाता है। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं हम अपनी लिमिट के अंदर बोल रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि यही अर्थ है, इतना ही अर्थ है, मुझे सब कुछ आ गया, नहीं। उसके अर्थ शिव जी कह रहे मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, शेष ना कहते मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। जब शिव जी नहीं कर सकते, शेष ना, हम और अब क्या वर्णन करें, जितना है उतना ही समर्थ हरि नाम पर निष्ठा हो जाए, वही बड़ी बात है। बाकी हरि नाम को प्रकाशित होने दो, अपने आप इतनी सेवा कर लो हरि नाम की, वो स्वयं प्रकाशित हो जाए और सब कुछ आपको वो दिखा देगा क्या है उसके अंदर। फॉर गो कुमार चैंटिंग दिस मंत्र इज नॉट अ मैकेनिकल एक्सरसाइज बट अ मीन्स फॉर अवेकनिंग हिज इंटीमेट लविंग रेसिप्रोकल विद मदन गोपाल। एक ऐसे नहीं कि चलो करना है, किसे बोले करना है, नहीं। उसे पता है इस मंत्र के जप से मदन गोपाल के प्रति मेरे को प्रेम उत्पन्न होएगा, मुझे उनका साक्षात्कार होगा। ये मंत्र ही मुझे मेरे मदन गोपाल तक लेकर जा सकता है, ये बात को वो जानता है, इसलिए इस मंत्र का जाप करो। हमारे गुरु जी भी यही कहते हैं कि हरे कृष्ण जाप करो, आप भगवान के गोलोक धाम में राधा रानी की सेविका बन जाओगे। महाप्रभु ने कहा है, देखो जो महाप्रभु के वर्ड्स और प्रभुपाद के वर्ण में कोई भिन्नता नहीं, कहते महाप्रभु वाणी का प्रचार। हमारे परम गुरु जी भी वही बोलते हैं, इसलिए जो महाप्रभु ने बोला है वही प्रभुपाद जी, वही भक्ति ठाकुर, वही हमारे सारे गुरुवर्गों ने बोला है, तो उनकी वाणी ही महाप्रभु की वाणी। तो जो महाप्रभु समझे ना, अगर वो महाप्रभु कहते हैं 100,000 हरिनाम करना कम से कम, तो यानी उनके जो शिष्य वो तो नहीं बोल सकते कि कम करो, वो तो असंभव है। तो फिर तो महाप्रभु का आप अगेंस्ट आ रहे हो, वो तो नहीं बोल सकते। हाँ, कोई बंदा पहली बार आया है, वो अयोग्य है, वो इतना जड़, उसको कुछ नहीं आता, उसको देख के बोलते तो चार माला कर दे, वो इतना ही शुरू करो, पता से कुछ किया नहीं, वो उससे कुछ नहीं होने वाला, तो चार से शुरू कर। आप 20 लोग बैठा पे रिकॉर्डिंग कर ली, देख लिया फोटो, तो कहा भी इससे चार माला, अरे भैया जिसको कहा चार माला उसकी योग्यता तो देखो, वो बंदा किस स्थिति में है। 2 साल के बाद उसको बोलेगा तो इतनी माला करनी, 20 करनी है, फिर बोलेगा तो 50 माला का, फिर तो 80 माला का, 100 का, 100, उसको कहाँ से उठा के। इसे हरिनाम चिंतामणि में लिखा है, फर्स्ट पेज में बंदा चार माह शुरू को, लेकिन लास्ट पेज में हरिनाम चिंतामणि बोलती है 192 तक उठना है हमको। हरिनाम चिंतामणि भक्ति ठाकुर जी का ग्रंथ है, वो कहता है चार से शुरू करो, 64 पे आइए, वो मिनिमम धीरे धीरे इसको बढ़ा के 192 पे आइए। भैया हम तो निर्भय होकर ओपनली बोल रहे हैं कि जो लिखा गया उसके अंदर, लोगों को डर लगता है कि बोलने के लिए कि 192 माला और ये 64 तो बोल सब भाग जाएंगे, कोई करे नहीं करे उसकी मर्जी, मेरा काम है एज इट इज उनके वर्ड्स को रिपीट करना, कहीं कोई फॉलो कर सकता नहीं, वो उसकी मर्जी। क्योंकि जब आपको मैं बताऊंगा नहीं, आपकी इच्छा कैसे जो और आगे बढ़ने की और ज्यादा जाप करनी, वो टेस्ट कहाँ से मिलेगा? जाप नहीं करोगे टेस्ट कहाँ से मिलेगा? आप बोलेगा मैं बहुत करूँ और 10-20 वर्ष अभिमान में बैठा हूँ, मैं तो रोज 20 वाला करता हूँ, उसका अभिमान बढ़ा रहेगा। जब भजन बढ़ता है, हमारे आचार्यों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, हमें लगता है हमारा भजन जीरो है, हमने स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। आपको इतनी दैनता आएगी भजन बढ़ने से, आप जब हमारे शासन में आचार्यों के चरित्र को पढ़ोगे, आप बोलोगे कि हमारा काम ने कुछ भी नहीं किया। प्रभुपाद स्वामी महाराज जी का चित्र पढ़िए, प्रभुपाद जी का चित्र पढ़िए, हमने अपने परम गुरु जी का चित्र पढ़ा है, गुरु जी का चित्र भी थोड़ा बहुत प्रकाशित हुआ, पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है, तो स्वीटेस्ट जो है पार्टली है, पढ़िए तो पता चलेगा कि क्या है। हियर इज द अबोर्ड ऑफ सायुजय, वन ऑफ द 4 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। तो ये जो स्थान है सायुजय, जो मुक्ति का स्थान है, जिस पे जो समाना होता है। हियर इंडीड इज द गोल ऑफ रेनसेड हुज माइंड आर फिक्स्ड ऑन द थॉट ऑफ एब्सोल्यूट वननेस। ये उन त्यागियों का, योगियों का स्थान है जो भगवान में एक होना चाहते हैं, उस पर समाना चाहते हैं, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, उस पर समाना चाहते हैं। ठीक है, मोक्ष मिल जाता है, लेकिन वो रस नहीं मिलता जो निजी सेवा से मिलती है।
whose minds are fixed and the thoughts are absolute oneness, jinka man laga hai ki brahman mein ek hona hai, whose hearts have dried up in the blazing fire of material miseries, unka hriday sukh chuka hai kyunki sansar mein dukh hai, wo dukh soch ke wo kehte hain main mukt hona, mukt hona, wo bhul jate hain ki mukt hona achhi baat hai, lekin jahan pe ras milta hai to moksh leke kya karoge, jahan pe ras mil raha hai तो मोक्ष से ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो आप मोक्ष भी भूल जाओगे जब आपको बहुत उच्च कोटि का रस मिल रहा है, आप मोक्ष को भी भूल जाओगे। तो क्योंकि उनको वैसे प्रेमी भक्त मिले नहीं है जो उनको रस प्रदान करे, लीला का गुणगान करने नहीं, उनको उनकी जैसी इच्छा की या जो भी भगवान जैसा जीव हो तो उसके लिए वैसी व्यवस्था करते हैं। सभी लोग इधर तो आकर्षित होंगे, कोई कोई जिसको माला ज़्यादा नहीं करनी उसी के पास जाएगा, जो बोलेगा तुम चार छः माले करो या 16 माले करो उसी के पास जाएंगे। जैसे जिसका भाव होते हैं उसके अनुसार भगवान उसके लिए वैसी व्यवस्था करके वैसे लोगों से उसको मिला देते हैं। जो सिंसियर होते हैं उनके भगवान वैसे लोगों से मिलाएंगे जो भजन के स्तर को बढ़ाएंगे, और जो सिंसियर नहीं उनको भटकाएंगे। ठीक है, जाओ उनके पास। तो सभी लोग क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सबके भाव अलग अलग है, जैसा होता है उसको वैसे लोग पसंद आते हैं। सभी हमको लाइक नहीं कर सकते, सभी हमको हेट भी नहीं कर सकते, कोई लाइक करेंगे जो जिस वृत्ति के जो आएंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे, और वे कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सबके हृदय की वृत्ति अलग अलग है, और जैसा बंदा होता है वैसी व्यवस्था भगवान उसके लिए कर देते हैं। तो कहते हैं उनका जो हृदय है सूख चुका होता है दुख के कारण, वो परसोदी वर्टलेस एज इफ इट वर रियल। तो कहते हैं वो उस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं जिसकी जो तुच्छ है, लेकिन वो सबसे हाई चीज़ है, मोक्ष हाई चीज़ है, कहते वो भी तुच्छ है भक्ति के आगे, क्योंकि भक्ति में जो निजी धाम है, निजी सेम सुख है, वो मोक्ष में उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो अनेबल विद इन देमसेल्फ टू डिस्क्राइब बिटवीन वॉट हैज़ वैल्यू एंड वॉट डज नॉट, उनको ये भी नहीं पता कि क्या वैल्यू है क्या चीज़ वैल्यू नहीं है, क्या चीज़ को महत्व देना किस चीज़ को महत्व नहीं देना। आई मेक दम फॉल इन टू द ओशन ऑफ बिवेल्डरमेंट बाय द ऑर्डर ऑफ कृष्णा, मैं उन्हें मोहित कर देता हूँ कृष्ण की आज्ञा से। हु वॉन्ट टू हाइड फ्रॉम देम द सीकर प्रेम भक्ति को लोटस की, और भगवान नहीं चाहते हैं कि उनको मेरी भक्ति का रहस्य प्रकाशित हो, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनके आगे भक्ति मेरी प्रकाशित हो, मैं छुपा के रखता हूँ उनके आगे, क्योंकि जो प्रेमी होता है उसी के आगे। इसलिए लीला पढ़ना हाईएस्ट चीज है, लेकिन लीला समझने के लिए पहले हरिनाम चाहिए, महाप्रभु कृपा लो, फिर आप कृष्ण लीला पढ़िए। पहले महाप्रभु की लीला पढ़ो, नाम में रुचि पैदा करो, खूब नाम करो, फिर कृष्ण लीला का आप रियल अर्थ और आस्वादन का वो हाईएस्ट चीज है कृष्ण लीला। और महाप्रभु कहते हैं, और स्वयं वेदव्यास ने कहा गया है, सुखदेव जी कहते हैं इस बात को, जो राज पंचायत है का पाठ करता है उसके मन के सारे रोग दूर होते हैं, वो गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए और वैसे लोग मिलने चाहिए जो उसको समझा भी सके, इतने क्वालिफाइड लोग भी होने चाहिए। वो भजनानंद ही समझा सकता है उन लीला को, उस पर प्रवेश करा सकता है, जो भजनानंद ही नहीं वो आपको कभी नहीं ये चीज़ें प्रदान कर सकेगा। लास्ट में जाना उसी में कृष्ण लीला में, लेकिन उसके लिए पहले क्वालिफिकेशन पर थोड़ा सा, सबसे पहले है हरिनाम, और हरिनाम मेंटेन करने के लिए कथा की जरूरत पड़ती है, बगैर कथा के मत। तो सर्वश्रेष्ठ उसमें सहायक है वह चैत्र महाप्रभु की लीला है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको क्वालिफाई करेंगे ब्रज के रस को समझने की, और प्रवेश और ब्रज की भूख और लालच पैदा करेंगे कि ब्रज में प्रवेश करना है हमको, वो आपके अंदर लोभ पैदा करेंगी। और जब आप कृष्ण लीला पढ़ोगे, जब रास लीला वगैरह, तब आप पागल हो जाओगे क्या है ये, क्योंकि महाप्रभु कृपा ले चुके हो, उसके अर्थ भाव को समझ चुके हो, तब उसको रियल अर्थ समझोगे। डिवोटी टू केयर ओनली फॉर द एक्सेस ऑफ वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड निगलेक्ट द इम्पर्सनल अबोर्ड, जो भक्त जो होते हैं जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनकी एक इच्छा है कि मुझे भगवान की सेवा से जो भाव उनको मिलता है वो इम्पर्सनल अबोर्ड यानी वो सायुज मुक्ति का तिरस्कार करते छोड़ देते हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए।
एक्चुअली उसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहा गया सर्वजय मुक्ति को. नोइंग दिस यू टू शुड रिजेक्ट इट एज एन ऑब्स्टिकल टू योर प्रोग्रेस. ये चीज आप समझिए कि ये बहुत बड़ा विघ्न है भगवान को प्राप्त करने का. ये इस प्रकार का जो मोक्ष है, देखो ये पंचम प्रसाद जो भक्ति है रामचरित मानस में भरत जी बोलते हैं, ना अर्थ ना धर्म ना काम ना मोह, जन्म जन्म प्रभु के चरण प्रेम प्राप्त यही वर मांगता हूँ. भरत जी बोलते हैं चैत्र महाप्रभु ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, वो कहते हैं मुझे अहितों की भक्ति चाहिए. मम जन्म जन्मनीश्वरे भक्ता भक्ति अहितों की, मुझे जन्म जन्म प्रभु की अहितों की भक्ति, यानी क्योंकि मतलब से बस उसकी ही सेवा उसी की भक्ति मैंने रात दिन का यही है. मम जन्म जन्मनीश्वरे जन्म जन्म मुझे ही प्राप्त हो, ये महाप्रभु बोलते हैं, हमारे भरत जी बोलते हैं. भागवत बताती है इस बात को कि भक्ति श्रेष्ठ मुक्ति से भी. कृष्ण लीला बताती है कि भक्ति कितनी शेष है मुक्ति से. तो ये हमें वही ग्रंथों का सेवन करना जो भक्ति प्रदान हो. ग्रंथ तो बहुत है लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लोग के लिए अलग ग्रंथ है. जिनको हरि के चरण प्राप्त करने जो और कृष्ण की निजी सेवा, वो भक्ति प्रदान ग्रंथ का सेवन करें और भक्ति की ही याचना करें. तो आमतौर पर जाओगे आज आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति होगी, मुक्ति सब मुक्ति की बात करते हैं. अरे भक्ति की बात तो कोई कर ही नहीं. कोई भी पूजा पाठ है पंडित को बुला किसी को मुक्ति की बात करते हैं, हाँ जी उसको हम मुक्त हो जाएगा, चलो ये करवाओ उसको मुक्ति मिल जाएगी. अरे भैया हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो इतनी खतरनाक चीज़ है, हमें तो भक्ति चाहिए, निजी हमें निजी सेवा चाहिए, मुक्ति तो उसके अंदर आती है. लेकिन क्या है कर्मकांडी बात को समझते नहीं है. कर्मकांड भौतिक सुख को भोगने की लालसा. कर्म का जितने भी स्वर्गीय लेकर आते और भगवत धाम में नहीं लेके जाते. ज्ञान से मोक्ष मिलता है लेकिन प्रेम नहीं मिलता. मोक्ष ही फिर ये सायुज मुक्ति मिलेगी लेकिन प्रेम नहीं मिलता. भक्ति से लीला से प्रेम मिलता है, भक्ति से प्रेम मिलता है, नाम कीर्तन से प्रेम मिलता है, लीला से प्रेम मिलता है, वो दिस धाम में दीजिए सेवा में लेकर जाता है. इसलिए मैं हमेशा देखोगे मैं हमेशा ग्रंथ पढ़ता हूँ जिसमें लीलाएँ होती है क्योंकि प्रेम उत्पन्न हो. और लोग जो है अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य से लीला को महत्व नहीं देते. क्या लीला में क्या वाण ये क्या वो क्या, उन लीला में क्या गूढ़ अर्थ है क्या रहस्य है आप समझ भी नहीं सकते हो. कोई समझाने वाला हो और हम समझें तो जी पागल हो जाएगा, कहाँ ये रहस्य क्या है इसके अंदर. और लीला का चिंतन भी तभी होता है जब वो रस का आस्वादन करता है, वो रस पर प्रवेश करता है. ये तो लीला का चिंतन भी नहीं हो सकता है बगैर लीला सुने. कमेंट्री द अबोर्ड ऑफ लिबरेशन इज फिटिंग प्लेस फॉर इम्पर्सनलिस्ट. कहते हैं ये जो मुक्ति उन्हीं लोगों के लिए है जो जोर पे जोर समाना चाहते हैं, जो भाव में एक होना चाहते हैं. ज्ञानियों के लिए योगियों के लिए वो स्थान है, भक्तों के लिए मुक्ति स्थान नहीं है सहज. भक्तों के लिए निजी सेवा स्थान है, जो ज्ञानी योगी को वो स्थान मिलता है. तीन आंसर जो बट नॉट फॉर अ कवहर्ड वर्शिपर और मथुरा मदन गोपाल. मदन गोपाल के उपासक कह कर मुझे क्या कहना मोक्ष के, मैं तो गोपाल है मैं अपने लाला के साथ खेलना है, लाला के साथ खिलाना है, उसका वार्तालाप करनी, उसके ये भाव होते हैं. इन श्री हरिवंश लॉर्ड क्रिस्टस जिसका महाकाल पुर टू अर्जुन एज फॉलोज. हरिवंश में कृष्ण भगवान अर्जुन को महाकाल पुर के बारे में क्या कहते हैं. दि वास्ट एक्सपेंशन और डिवाइन ब्रह्मन एफर्जन यू सी, तो वो क्या है और बेस्ट ऑफ द भारव आई माइसल एम दैट. जो मेरी जो ज्योत जो दिखाई देती है वो महाकालपुर है, काल से परे मोक्ष का स्थान है. वो जो ज्योत दिखाई देती है वही महाकाल है और वो मैं ही हूँ क्योंकि मेरे ही शरीर का ज्योत है वो, तो वो मैं ही हूँ. दिस इन्फिनाइट लाइट इज एटर्नल, जो शरीर से तेज उत्पन्न हो रहा है वो नित्य है. इट इज माई सुपीरियर एटर्नल नेचर, ये मेरी पराशक्ति है सुप्रीम एटर्नल नेचर जो है. बोथ मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, जो प्रकाशित हो रही और नहीं भी प्रकाशित हो रही है. द मोस्ट एक्सपर्ट नोज ऑफ योगा एंटर इट एंड बिकम लिबरेटेड, जो योगिक प्रक्रिया में कुशल है वो अपने आप को भगवान में समा जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं. उनकी छाती में मोक्ष लो समाज हो भगवान के ज्योत में. और अब देखो कई
संप्रदाय हैं जो कहते हैं जी ज्योत की पूजा करो, लाइट है लाइट से सब को लाइट का चिंतन करो, लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं मेरा चिंतन करो मेरा शेष दिव्य है, तो गीता समझ में क्यों नहीं आती तुमको जब कृष्ण जी ने बात कही है? तो कहते मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं, मैं परम सत्य हूं, मेरे भक्त बनो। कितना क्लियरली बोला मुझे प्रणाम करो, हमेशा मेरा चिंतन करो तो मैं तुम्हें तार दूंगा। बोल इतना कह रहे तो यानी या तो हम गीता को मानते नहीं है या तो हमें गीता समझ नहीं आ रही है, दोनों में से चीज हो सकती है। कृष्ण को घोल घुमा बाफ रखे बातें क्लियरली बोल रहे हैं अध्याय में, मेरे भक्त बनो मेरा चिंतन करो मेरी शरण आओ। और क्या बोले इसके आगे? फिर भी हम बोलते नहीं जोत का चिंतन करो उसका चिंतन करो, हमें समाज क्यों क्यों हम मरोड़ रहे हैं, क्यों गलत बात कर रहे हैं, क्यों हम गीता को एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, क्यों उसके अर्थों को मरोड़ते हो? इट इज माई सुपीरियर एटर्नल बोथ मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट द मोस्ट एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ योगा एंटर इट एंड बिकम लिबरेटेड। जो योगी होते हैं वो उस पर प्रवेश करके मुक्त हो जाते हो। पार्थ इट इज द गोल ऑफ द संख्य फिलोसफर एंड ऑस्ट्रेलिय, वो योगियों की या संख्य को फॉलो करने वाले उनके लिए वो गति है। द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल ब्रह्मन यानी उसको ब्रह्म कहते हैं जो ज्योत को परवेडिंग द एंटायर यूनिवर्स जो सर्वत्र व्याप है। डिसेंडेंट ऑफ हर नो डिस्टर्बिंग माई कॉन्सेंट्रेट एफल्जेंस, तो ये मेरा ज्योत है गाढ़ रूप पे ये ज्योत है मेरी और कुछ नहीं है। द महाकाल को डिस्क्राइब इन द पैसेज ऑफ श्री हरिवंश इज द सेम रीजन गो कुमार सॉ आउटसाइड द कवरिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। यही तो जब वो गए थे महाकालपुर में तो उसको वही तो ज्योत दिख रही थी, उसकी इच्छा में उसके अंदर जाऊँ, काल से तो पड़ी है उसमें कोई बड़ी बात ही, महाकाल कहा गया उसको, उसको हल्के से नारायण के दर्शन भी होते हैं लेकिन उनके शरीर का जो तेज है उसकी छाती में उस तेज में प्रवेश कर जाऊँ। लेकिन वो मंत्र जाप नहीं होने दिया, मंत्र जाप उसको और आगे ले गया कैलाश में ले गया, और कैलाश में गणेश जी उनको प्रेरणा दे रहे हैं और शिव जी समझा रहे हैं वैकुंठ जाने के लिए, अभी वो वैकुंठ जाएगा। बोध श्रीमद भागवतम एंड हरिवंश मेंशन दैट कृष्णा एंड अर्जुन वर ट्रेवलिंग टू महाकालपुर पास्ट लोकालोक, तो कहते हैं कि भागवत के अंदर आता है जब भगवान जाते हैं ना अर्जुन को लेकर ब्राह्मण के पुत्र को लौटाने के लिए, ये सेकंड लास्ट के थर्ड लास्ट कथा आती है भागवत के अंदर दशम स्कंध के अंदर, तो कहते हैं वही इसको पास पार कर जाते हैं महाकालपुर को पार करके जाते हैं पास लोकालोक। सम टेक दिस टू मीन दैट महाकालपुर द विस्टिड वॉज अ प्लेस इन साइड द एग ऑफ द यूनिवर्स। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो इस सृष्टि के अंदर आता है इन देयर आउटर रीजन वेस्ट सनलाइट डज नॉट रीच, लेकिन ये उसके बाहर का अंश है जहाँ पे सूर्य का प्रवेश होता है। क्रॉसिंग लोकालो कैन ऑल्सो भी अंडरस्टैंड हुआ है टू मीन पासिंग बियॉन्ड द 14 वर्ल्ड्स दैट एग्जिस्ट इन द रियम ऑफ लाइट, यानी उस लोकालोक महाकालपुर में जाने का मतलब ये 14 लोकों को पार करें ब्रह्मलोक को भी पार करके चले जाना, मतलब ये होता है जो है मटीरियल वर्ल्ड है वह ब्रह्मलोक उसको भी पार कर जाना अगर उस पर जा रहे हैं तो बियॉन्ड अवर्स दैट इज इन द रियम उधर बहुत तेज है एंड ऑल्सो बियॉन्ड द रेस्ट ऑफ अदर यूनिवर्स विच हैज़ अ कम्प्लीट डार्कनेस, और उससे भी परे है अन्य ब्रह्मांडों से जो जो अंधकार से ढके हुए हैं उस पर तो प्रकाश ही प्रकाश है। महाकालपुर इज अ सूटेबल डेस्टिनेशन फॉर इम्पर्सनल सन्यासी, ये सन्यासियों के लिए या जो जो भक्त नहीं है उनके लिए जो योगी ज्ञानी के लिए वो उचित स्थान है। फॉर द रीजन लॉर्ड शिवा मेंशन इन टेक्स्ट थ्रू नॉन डिवोटी सन्यासीज लैक रियल स्पिरिचुअल नॉलेज, सन्यासी है लेकिन उनको सही ज्ञान नहीं है एंड आर इनकैपेबल ऑफ डिस्कर्निंग द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ थिंग्स, और जो सार को समझते नहीं है। एज ब्रह्मा से इन भागवतम ब्रह्मा जी भागवत में कह रहे हैं दे आर जस्ट बीटिंग द एम्प्टी हस्क ऑफ ग्रेन एंड ऑलरेडी थ्रेश,
कहते वो भूसे को कूट रहे हैं, कुछ मिलना नहीं क्योंकि अंदर कुछ फसल चावल तो है नहीं, वो तो निकाल ले गए, उसको कूट रहे, परिश्रम करे, कुछ मिलना नहीं है। दे आर इन दिस पिटिफुल कंडीशन बिकॉज लॉर्ड शिवा हैज कास्ट देम इनटू द ओशन ऑफ मटेरियल बिवेलपमेंट एज ही एक्सप्लेन हिमसेल्फ इन उत्तराखंड ऑफ पद्म पुराण। तो इनकी दशा क्यों है, क्योंकि शिव जी ने उनको उस स्थिति में रखा है, मोह के अंदर रखा हुआ है। वो स्वयं समझाते हैं द मायावाद फिलॉसफी इज अ फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिवर्स स्क्रिप्चर। माया फिलॉसफी है वो गलत है, ये महाप्रभु ने भी कहा जो मायावादी का संग करता है उन सब उसका नर्क का सर्वनाश हो जाता है। महाप्रभु स्वयं इस बात को कहते हैं मायावादी का सब हम ब्रह्मा से मैं ब्रह्म हूँ बस का समा जाना, तो भी नारायण मैं भी नारायण, हम एक दूसरे को नारायण कहते हैं, भाई तो मैं एक बार शरीर छोड़ गया तो भी नारायण बन गया, मैं भी नारायण हो गया, ये गलत है, ये सारी फिलॉसफी टोटल गलत है। ये उन जीवों को मोहित करने के लिए कहा गया है जो भगवान से विमुख को जो विमुख है उनको मोहित करने के लिए कहा गया है, जो भक्ति का तिरस्कार करते हैं उनको फंसाएगा, ये शिव जी ने की है ऐसी चीज़ उनके लिए शंकराचार्य के रूप में, जिससे महाप्रभु उसको रिजेक्ट कर देते हैं शंकर। लेकिन आप शंकराचार्य क्या बोलते हैं, भज गोविंदम, खुद तो गोविंद का गुणगान करते हैं, मूढ़ मत मूर्ख, गोविंद का भजन कर खुद करते हैं और दूसरे को भी कहते हैं गोविंद का भजन कर। तो ये बात ये चीज़ कौन नहीं पकड़ता कि शंकराचार्य क्या बोले गोविंद भजन करो, लेकिन ये चीज़ पकड़ के बैठ जाते थे कि दूसरा पक्ष भी तो देखो उन्होंने खुद क्या किया और क्या प्रेरणा दी करने की, वो कोई नहीं लेता। इट इज अंडरस्टूड नो मोर देन अ कवर्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में शून्य शून्य जीरो है, क्योंकि उस वक्त क्या था कि लोग जो है बलि चढ़ाते थे, मांस काटते थे बेहिसाब इतने ज़्यादा कर्म कांड में, तो वो लोग ये इसको कैसे रोके, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं उनके अंदर समझने की कि भाई मांस खाना पाप है, बलि चढ़ाना पाप है, उनको बुद्धि नहीं। तो भगवान ने बुद्ध अवतार के द्वारा कह वेदों को रिजेक्ट करके उसको बिल्कुल फॉलो मत करो, तो उन्होंने उनको जो इस प्रकार मोहित थे उनके लिए ये सारी फिलॉसफी दी कि भाई आप मांस नहीं खाओगे, ये नहीं करोगे, बलि नहीं चढ़ाओगे, सब शून्य है, ऐसा उनको कहा गया। किसके उन लोगों को, लेकिन आज जब देखोगे तो बुद्धिस्ट लोग तो सबसे नॉनवेज खा रहे हैं, जब लोग को बुद्ध मानते हैं ये फॉलोअर, तो बुद्ध तो बिल्कुल अहिंसा की प्रेरणा देते थे उनके ग्रंथों में, लेकिन ये बुद्ध को भी कहा फॉलो करेगा देखा जाए तो, यानी इन्होंने अपना पूरा नाश करना ही करना, ये डेफिनेट है। वो देवी आई शैल अपीयर एज अ ब्राह्मण इन द एज ऑफ कटोपेडी फिलॉसफी। मैं ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और इस फिलॉसफी को समझाऊंगा। आई शैल डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट ट्रुथ इन अ कॉन्ट्ररी वे एज डिवाइड ऑफ क्वालिटी। मैं परम सत्य को विपरीत तरीके से कहूंगा जिसपे कोई गुण नहीं, जस्ट बिल्ड इंटर यूनिवर्स इन द एज ऑफ कली। कल जो के जीवों को मोहित करने के लिए मैं कहूँगा, जो भजन नहीं करना चाहते उनको मोहित करने के लिए इस प्रकार के मैं बातें करूँगा, और जो भक्त होते हैं वो मोहित नहीं होते उनके लिए तो महाप्रभु और हमारे भगवद गीता भागवतम है जो उनको क्लियर चीज समझाते हैं। लॉर्ड शिवा परफॉर्म दिस थैंकलेस टास्क ऑन द डायरेक्ट ऑर्डर और लॉर्ड कृष्ण। शिव जी ये जो क्रिया करते हैं कृष्ण के आज्ञा से करते हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है कि विमुख करना, लेकिन क्या करें, भगवान की ऐसी आज्ञा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त कुछ भी करता है, चाहे मुझे बदनाम होना कलंक लगे, लोग क्या सहेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे कृष्ण की आज्ञा उसे फॉलो करना, कुछ फॉलो करना। वो अपना स्वार्थ नहीं देता, उसका एक ही उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर कृष्ण प्रसन्न होते इस क्रिया से मैं करने को तैयार हूँ, ऐसे लोग की कभी दुर्गति हो नहीं सकती जो कृष्ण को प्रसन्नता के सब करें। और हम लोगों को क्या है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या कहेंगे, कृष्ण क्या कहेंगे वो कोई चिंता नहीं है। तो यानी बाकी हमको कोई कृष्ण को ना महत्व दे रहे, ना हमको उनके प्रति प्रेम है, हमें लोग इम्पॉर्टेंट है, रिश्तेदार इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम उनको महत्व दे रहे हैं और कृष्ण को त्याग रहे हैं। By concocting your own doctrine, the general populace against me, कहते हैं तो ऐसे करके लोग मेरे विरोध हो जाएं। Because Krishna wanted to keep a pure devotional service confidential, क्यों कृष्णा अपनी भक्ति को गोपनीय, क्योंकि हर इंसान अधिकारी नहीं है, जिसके अंदर लालसा उसे कृपा करके मिलती है, लेकिन सब नहीं। इसलिए जैसे किसी भी सन्यासी को देखकर भक्त समझना, जब तक मैंने कहा जिसके वाक्य सुनने से
कृष्ण में प्रीति या हरि भक्ति में यानी राम या कृष्ण में प्रीति और नाम में रुचि होए, बुद्धि पे प्रहार हो तो समझो बंदा सही है। कि कथा सुनने से भाव में प्रेम हो रहा है, नाम में रुचि हो रही है, तो समझो मैं सही जगह पे आया हूँ। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो समझो मैं वो बंदा सही नहीं है। और जो भजन करने से हमें रोकता है, ज़्यादा माला करने से रोकता है, समझो वो भी सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान से, कई लोग क्या था पाखंड करते हैं, वैसे तो माला करेंगे, जब कोई सेवा करता है उसे माला के बढ़े, वो पाखंड नहीं करना। सेवा हरि भजन में विघ्न नहीं है, ना ना भजन विघ्न सेवा में। विघ्न क्या प्रजल व्यर्थ की चर्चा है, विघ्न क्या आलस। अगर आपने 2 घंटे सेवा की तो कोई दोष नहीं होता उसमें, वो हर मनुष्य करता है। वैष्णव की सेवा करना, शे वैष्णव आचे गुरुवर गाय चाहे वैष्णव तो सेवा करना। तब ये नहीं कह तुम 100 साल में कितने बार आते, 1 बार 2 बार 4-5 दिन के लिए तुम उसी समय सारी माला के, तुमने बाकी 350 दिन क्या किए तुमने, मुझे बताओ तो बाकी 350 दिन क्या किए तुमने, तुम वही 8-10 दिन सब माला करोगे सारी। अरे वैष्णव का आशीर्वाद आपको उठाया करेगा, भजन करो फिर ये आशीर्वाद लेने आओ और आशीर्वाद से तुम्हारा उद्धार होगा। हम लोग वैसे तो कुछ करते नहीं है सारे साल, और जब आ जाते हैं वैष्णव तो हम दिखावे करते हैं, कोई बोले कोई सेवा का तो मुँह चढ़ा के बैठ जाते हैं, क्या मुसीब बोलते मैं तो माला कर रहा था। ये पाखंड नहीं करना भैया, पाखंड नहीं करना। आगे पीछे तो करते नहीं सेवा उस वक्त जब देखो, ये हरिनाम का ही फल है कि हमको वैष्णव करने का, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। क्योंकि जो चीज़ साधना से भी मुश्किल से प्राप्त होती है, वो आशीर्वाद से बहुत तुरंत प्राप्त हो जाती है, कृपा से बहुत इजीली प्राप्त हो जाती है। समझो 5 साल साधना करने के बाद कोई चीज़ मिलनी थी, वो आपको 5 मिनट मिलेगी संत की कृपा से, सेवा से। तो ये सौभाग्य हमें कभी खोना नहीं संत की सेवा करने का। बाकी सब माला करो ना आगे पीछे, तब हम लेटे रहेंगे व्यर्थ की बात चर्चा करेंगे, तब भजन क्यों नहीं करते, क्यों इधर फालतू डिस्कशन करें हम लोग। ये रिक्वेस्ट है लॉर्ड शिवा टू क्रिएट दिस कन्फ्यूजन, उन्हें कहा कि तुम इस प्रकार लोग का विक्षेप करिए, वैष्णव वाज ओनली सीरियस एम्बिशन इज टू अचीव दी ब्लिसफुलनेस ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा, रिजेक्ट इम्पर्सनल लिबरेशन। देखिए जो वैष्णव जिनका लक्ष्य उद्देश्य है कृष्ण के रस का आस्वादन करना, उनकी सेवा करना, इस मोक्ष का त्याग करते हैं। गो कमा लॉर्ड शिवा एडवाइजेज शुड रिजेक्ट इट ऑल्सो लाइक एनी ऑब्स्टिकल इन ए पैथ ऑफ भगवत भक्ति। तो शिव जी उसको कह रहे तो इसका भी परित्याग कर और भक्ति की ओर आगे बढ़। वेरी क्लेवरली द ब्राह्मण जारी इन द्वारका हु वांटेड टू टेस्ट द रस ऑफ कृष्ण भक्ति ब्रॉट हिज सन फ्रॉम हियर टू द्वारका। तो जो ये कथा तो भागवत पे आती है ना, जो ब्राह्मण के पुत्र जो मर गए थे, अर्जुन ने कहा मैं उनकी रक्षा करूँगा, इसको मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ता हूँ क्योंकि विस्तार का इसको समझाना भी है। तो मैं जो विश्राम का समय हो रहा है, कथा अभी सैटरडे कंटिन्यू हुई। वांछा कल्पत्र भयस्य कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।